Hello and welcome to the brand new episode of Tune With Mustafa, only at tune.pk. Today, the celebrity is here with us. This is a film, a feature film cast, Mah-e-Meer. मुझे इस इनके इंट्रोडक्शन से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो मैं पढ़ लूँ। वो तुझको भुलाए हैं तू तो तुझ पर भी लाजिम है मीर, खाक डाल आग लगा नाम ना ले याद आए। वेलकम टू माय शो, थैंक यू सो मच सनम एंड अंजुम शहजाद फॉर हैविंग अस ओवर और हमारे शो में रिसीव करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अंजुम, ये मह-ए-मीर जो है क्या है? इश्क है, जुनून है, दीवानगी, किसका नाम है मह? जो आपने बोला वो सब कुछ है। अच्छा, तमाम चीजें है, जुनून भी है, दीवानगी भी है, तमाम फ्लेवर जो है इस मूवी में, तीनों फ्लेवर इस फिल्म में मिलेंगे। अच्छा सर, आपका क्या रोल है इस मूवी में? मेरा जो कैरेक्टर है वो उसको कॉन्स्टेंटली याद दिलाती रहती है कि तुम इस रास्ते पे नहीं आगे बढ़ोगे जिस रास्ते मैं हूँ, लोगों के साथ मिलना जुलना, सिस्टम में रहना, लोगों से फेवर्स मांगना, इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। और जो उसके ऑपोजिट जो फहद मुस्तफ़ा जिनका रोल है जमाल, उनके कैरेक्टर का नाम है जमाल, इज पैशनेट और वो जो है मतलब कि बागी है सिस्टम से जी। सो रेबेलियस एटीट्यूड है उनका। मैं मेरा जो कैरेक्टर है मैं भी एक शायरा हूँ, मैं ना कवर ठीक है, जो उसको जताती रहती है कि देखा तुम इस तरह कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है मेरी तरफ आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और जब वो नहीं कामयाब होता है तो वो उसको मजा आता है कि देखा अगर तुम मेरी बात मानते तो जो मैं कह रही हूँ उससे। तो ये कॉन्स्टेंटली टीजिंग हिम इन द मूवी। हां, सो आई हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन लाइफ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन तमाम लोगों का कि ये किस तरीके से आपने कंसीव किए कि यही करेक्टर जो है मेरा फ्लान करेक्टर को कर सकते। इस कैरेक्टर की जो डिफरेंट डायमेंशंस थी कंटेम्प्रेरी पोर्शन में और उसके बाद पास्ट में, तो एक रेंज वाला एक्टर चाहिए था जो दोनों को निभा सके और फिर डिफरेंट मूड्स को निभा सके, ठीक है। तो दो तीन चॉइसेस थी लेकिन मेरी जो फर्स्ट जिसके बाद मैंने सोचा ही नहीं था वो फहद मुस्तफ़ा था। और इवन सनम के कैरेक्टर के लिए भी हमने किसी दूसरे से बात नहीं की थी, हमें एक सेंसिबल इंटेलिजेंट एक्टर चाहिए थी इस कैरेक्टर के लिए। ईमान के कैरेक्टर के लिए हमें ज़्यादा जो प्रेफरेबली चाहिए थी जिसकी वो ड्रीम है, वो उसका ख्वाब है, इमेजिनेशन है, फैंटेसी है, वो उसकी दीवानगी है, इश्क है जमाल के कैरेक्टर का, और जो वो पास में जाके मीर भी बनता, तो इसलिए हमें एक खूबसूरत फैंटेसी चाहिए थी। तो ईमान वॉज देयर। मंजर साहब जो हैं वो फर्स्ट चॉइस थे, मंजर सहबाई सरमद सहबाई साहब के भाई हैं और वो फर्स्ट चॉइस थे और बिल्कुल राइट चॉइस थे। अच्छा सर, कमिंग टू यू, ये प्री कंसीव नोशन जो है वो क्या प्री कंसीव नोशन होना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या थॉट होनी चाहिए ऑडियंस के? खुले दिमाग से फिल्म देखनी जानी चाहिए लोगों को। बहुत ये सारे आप कह रहे हैं बार बार, मैंने और भी इंटरव्यू देखे हैं, ईमान अपनी तरफ ये कहती है खुली ठीक है देखना चाहते हैं, बस उसमें डांस हो, उसमें लव स्टोरी हो, उसमें लड़का लड़की हो, बस ये बुरी आदत है हमारी, ठीक है इसमें से निकलना है। और खुले दिमाग मतलब कि बिकॉज़ वो फॉरेन कहते हैं यार इसमें तो गाना नहीं था, ये गाने तो बड़े खूबसूरत हैं, बट वो कहते ना इस बट अगेन इट्स नॉट आइटम नंबर टाइप, नाच गाना टाइप नहीं है। ये पैरेलल सिनेमा की तरफ की मूवी है, डिक्लाइन ज्यादा मंटो और कमर्शियल फिल्म्स के बीच में, इतना ऑब्वियस एंड डायरेक्ट मैसेज नहीं दे रहे, थोड़ा आपको वही मीर की सूरत में या मीर की वहशत को लेके फॉलो करके इस कैरेक्टर जमाल में डाला गया है। अच्छा, जिस तरह अभी हमने उर्दू की आपने बात की कि बड़ी खालिस उर्दू जो है इसके अंदर जो है ना आप लोगों ने बोली है, तो सिंस कीपिंग इन माइंड फहद का भी मैं इंटरव्यू किया पढ़ा था, वो कहते हैं कि वो सिंधी स्पीकिंग है तो उनके लिए बड़ा इवेंचुअली शुरू में बड़ा मुश्किल था डायलॉग्स को याद करना बोलना, तो आप भी जो है ज़्यादा आपका फॉरेन ब्रॉटअप है तो उर्दू में कितनी मुश्किल है आपको? ड्रामो ड्रामो में इतनी खालिस उर्दू नहीं बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो मेमोरी है या लाइन सीखना, फिर थिएटर बैकग्राउंड भी है काफ़ियों का, तो लाइंस हम सीख जाते हैं। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आप कुछ भी करो तो हमने बहुत मेहनत डाली है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल किसने, हार्ड टाइम किसने दिया? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसने हार्ड टाइम? मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो हार्ड चीज़ थी वो स्क्रिप्ट था, इसलिए हार्ड टाइम किसी ने भी दिया। हार्ड देखें, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जब आप प्रोफेशनली चीज़ें देख रहे होते हैं तो एज डायरेक्टर आप मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा काम है कि मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सेट पे एक्टर क्या परफॉर्म करता है। हमने एक गाना देखा जिसमें ईमान की लिप सिंक की प्रॉब्लम थी, ईमान के ऊपर गाना पिक्चराइज हुआ है, तो उसमें मतलब आपने भी बताया था कि मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा वो गाने की प्रॉब्लम ये थी
क्योंकि वो अपनी अदाओं में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, वो लिप सिंक के ऊपर से इतना गौर नहीं। अच्छा, बहुत सारे बॉलीवुड के भी गाने देखेंगे तो उनमें आपको सिंक नहीं मिलता, सिंक्रोनाइज़ नहीं होता। बेसिकली फैंटेसी जो है उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, गाना जो है उसमें शायरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गानों को सुनना बेहतर लगना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई, आई थिंक उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो जो एक्सप्रेशन दे रही है, जो शायरी जो वो पढ़ रही है, अगर आप उसकी शायरी का मतलब समझें तो एक्सप्रेशन जो दे रही है वो जस्टिफाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप शायरी को सिंक्रोनाइज़ नहीं भी है तो वो इट। अच्छा, इस पे म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है और गाने कितने हैं इसमें? 5 गाने जिस म्यूज़िक इसका जो प्रोड्यूस किया है वो शाहिर हसन ने किया है। ठीक है, और 2 गाने अहमद जहां सेब ने कंपोज किए हैं। कवाली किसकी? कवाली जो है वो बेसिकली जो है वो अयाज फरीद और ठीक है अबू मोहम्मद, इन्होंने गाई है, पुरानी कवाली है। तो वो शाही ने इसको म्यूज़िक किया है। उसके बाद एक मीर की गज़ल है, ठीक है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, वो भी शाही ने किया है। उसको रजब ने और बीना एक है सिंगर, उन्होंने गाई है। जिस तरह आपको टेक्निकली जितना इक्विपमेंट है वो और क्रू मेंबर्स जितने, वो पाकिस्तान से लोग थे कि कुछ लोग बाहर से भी सपोर्ट लिया? सारा जो क्रू है पाकिस्तानी है। कैमरा सारी तो प्रोफेशनल क्रू है। हम किसी तरह से भी उसको ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरह से वो किसी से टेक्निकली वी आर वेल है कि हमारे पास डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्होंने वो मौला जट जैसी फिल्में टाइप की फिल्में, नॉट कैटेगरिकली मौला जट की मैं बात नहीं कर रहा, जिन्होंने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, वो क्यों रोते रहते हैं कि हमारे पास? अच्छा, मैं इस चीज़ में कहता हूँ कि देखें, री इन्वेस्ट प्रोड्यूसर करता है, उन डायरेक्टर्स को आप कसूरवार नहीं कह सकते। जब इंडस्ट्री उस पर बूम पे थी तो उस वक्त का प्रोड्यूसर री इन्वेस्ट करता है इंडस्ट्री के अंदर। नहीं, पर जो डायरेक्टर डंडा गंडासे वाला कल्चर दिखा रहा था उसको तोड़ना तो चाहिए। देखिए, उसकी बहुत सारी रीजन है। अगर सिनेमा को फॉलो करते हैं 50 साल का सिनेमा, तो एक ज़माने के अंदर फैक्ट्री ओनर और लेबर का झगड़ा होता था। फिर उसके बाद जियाउलहक साहब के पीरियड के अंदर जागीरदार, और ये जागीरदार जो सुल्तान राय ने कहा तो सिनेमा हॉल में क्लैप हुई जी, क्योंकि जागीरदार को इस तरह से कभी किसी ने कभी किसी ने हाँ। अरे, अब बड़ी एक ओपन सी इन्वायरमेंट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी, हम बहुत रिच हैं क्योंकि 20 साल से तो कॉन्सेप्ट छेड़े ही नहीं है। तो अभी आगे जाके आपको देखेंगे बहुत मज़े मज़े के कॉन्सेप्चुअल फिल्में बनेगी और ज़्यादा अच्छी फिल्में बनेंगी। जो वो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं वो हमारे पास पड़ गया कि हमें आज़ाद एटमॉस्फेयर के साथ रह रहे हैं, वी डू नॉट हैव सच पॉलिटिकल प्रेशर हमारे सिनेमा के ऊपर किसी किस्म की। या दिल की बात अगर कहनी हो ना, जो बात कहना चाहते हैं उसके बहुत सारे तरीके, ठीक है, वो आप अगर इसमें बैठे रहेंगे ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे नहीं है कोई चक्कर, जिसने करनी होती है बात, इसी मुल्क में खुदा के लिए भी बनी, इसी मुल्क में बोल भी और उस टाइम पे बनी कि जैसे सिनेमा में बिल्कुल लोग आते नहीं थे सिनेमा। तो बेसिकली अब मैं कहता हूँ, मंजर साहब ने इंटरव्यू में एक बड़ी मज़े की बात की थी, ये फिल्म जो हमने की है ये ना तो डंडे के जोर में बनी है ना ही प्रोपेगेंडा फिल्म है, ठीक है, ये प्योर एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। हमने एक किस्म का अपनी तौर अपने जरिए ट्रिब्यूट पेश किया है मीर तकी मीर को। और जब आप बात करते हैं इसके अंदर आइडियाज़ की और चीज़ों की, तो मैं कहता हूँ रेनबो ऑफ आइडियाज़ हैं इसके अंदर, ये एक आइडिया नहीं जनरेट हो रहा इसमें है, सारे चीज़ें जो है ना डिफरेंट कलर्स जो है ना वो सब टेक्स्ट के जरिए सरमद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कवर किए। सर, मैं आपको एयर को भी इशारा और ब्रेक ही नहीं है, वी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जब हम वापस आएंगे स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद सनम सईद एंड अंजुम शहजाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद द कास्ट ऑफ माहे मीर एंड द डायरेक्टर, कि माहे मीर जो नाम है मूवी का वो किस कॉन्टेक्स के अंदर रखा गया? इस फिल्म के अंदर चांद एक सवाल मैं ऐड कर दूं, हाँ, ये ऑटो बायोग्राफी तो नहीं है मीर तकी? नहीं, इट्स बायोग्राफी नहीं है मीर की। पहले मैं माहे मीर का आपको जवाब दे दूं, माहे मीर चांद का बड़ा रोल है इसके अंदर, चांद का। वो शुरू में अगर आप ट्रेलर में आप देखते हैं चांद का बड़ा रोल, चांद की 14 को मीर को पे वहशत तारी हो जाती थी। अच्छा, ठीक है, तो और उनको चांद के अंदर परी पैकर नजर आती, तो चांद इज वन ऑफ द कैरेक्टर। वो डायलॉग भी है जिसमें फहद मुस्तफा कहते हैं कि उसको परी पैकर क्यों नजर आती थी मीर तकी मीर को, और नील आर्मस्ट्रांग क्यों? तो चांद की बड़ी, आप फिल्म देखने जाएंगे तो चांद की बड़ी इंपॉर्टेंस है पूरे चांद की, माहे मीर का मतलब पूरा चांद, पूरा चांद, ठीक है, तो वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस, ठीक है, और वो वहशत से उसका ताल्लुक, दीवानगी से, जुनून से उसका ताल्लुक दिखाया हुआ है। ये भी प्लीज बता दें कि वैसे से ना लोग इसको नेगेटिव समझते हैं, एनर्जी जब नेगेटिव कन्वर्ट होती है तो वो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। वैसे जब पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो फिर बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा होते हैं, बड़े बड़े पोइट पैदा होते हैं। तो ये जो है ना, ये सफ़र भी इसका जो जमाल का कैरेक्टर है इसका, उस वैसे
के लेवल तक पहुंचने का, जहाँ पर वो जीनियस हो जाए, जहाँ वो अमर हो जाए जिसको अच्छा बोलते हैं और जिसको आप कहेंगे क्लासिक हो जाए। ठीक है, इस मूवी के अंदर वो ऐसी क्या चीज़ है कि जो लोग अपने डेली रूटीन से हट के सिनेमा तक आए? आई थिंक फहद मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं। फैन फॉलोइंग तो आपकी भी तो कोई कम नहीं, बट एज अ होस्ट की बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप रोज़ सुबह किसी को देखते हैं ना, स्पेशली हमारी खवातीन के लिए, एंड विद हिज गेम शो व्हिच इज सच अ हिट, तो फहद का डेफिनेटली ये पुल है। ठीक है, एंड इज एंड नाम मालूम अफराद करके वो बहुत, उन्होंने अपना नाम एंड इतने अच्छे सीरियल्स करके, सर मेरे लिए सनम सईद और ईमान अली एक पोल है इस मूवी बिल्कुल। तो आई वाज स्टार्टिंग विद फहद मुस्तफा, देन अगर आप मेरे फैन हैं, ईमान अली के फैन हैं, तो आप कास्ट की वजह से देखने आएंगे। हर फिल्म की फील आती है ट्रेलर देख के, तो आई थिंक ये काफ़ी इंट्रीगिंग है, मिस्टिकल है, मैजिकल है, पुराने ज़माने की टाइप की है। ईमान बहुत खूबसूरत लग रही है, फहद मुस्तफा एक अलग किस्म के रोल में आ रहे हैं। मेरा बहुत अभी कंफ्यूजिंग, नॉट श्योर बट इंट्रीगिंग, मैं शायरा हूँ, कॉलम भी लिखती हूँ, तो मेरा हल्का सा जो जहाँ जहाँ भी झलक आते हैं थोड़े नेगेटिव आते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपके पास ऐसा क्या यूनिक है ऑफर करने के लिए? द स्क्रिप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्क्रिप्ट, और दूसरा बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज हैं। आपको सिनेमा पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को कम कम मिलती बड़ी हैं, जो फहद की परफॉर्मेंस है, मंजर साहब की परफॉर्मेंस है, सनम, ईमान, राशिद फारूकी, अली खान इन सब की परफॉर्मेंसेस बहुत अमेजिंग हैं। आपको मज़ा आएगा इनका काम देख के, और सरमद साहब का स्क्रिप्ट सुनने का आपको मज़ा आएगा। अच्छा सर, इसके पीछे जो एक स्टोरी है, 2012 में आप लोगों ने फिल्म जो है बनाना शुरू की थी, शूटिंग इसकी शुरू की थी 2013 में। तो सर इसके टाइम इतना क्यों लग गया? और उसके बाद एक और बात जो सबको पता चल गई है कि ये बेसिकली पहले तो ये फेस्टिवल्स की नहीं ये मूवी बन रही थी, ये एक फीचर फिल्म या एंटरटेनमेंट मूवी के तौर पे ये नहीं आ रही थी, तो ये क्या वजूहत है कि फिर आपने सोचा कि इसको फीचर फिल्म की तरह लॉन्च करें? फीचर फिल्म तो बना रहे थे, फेस्टिवल के लिए बना रहे थे, और ये नहीं था कि जब जैसे जैसे फिल्म बनती गई हमें लग रहा है कि अच्छी बन रही है। ठीक है, और फिर जब मीर का एक जो अपनी एक वो है, तो हमने सोचा कि ये फिल्म अगर अच्छी बन रही है, ये दोबारा तो मीर पे फिल्म नहीं बनेगी, गालिब पे एक ही दफ़ा फिल्म बनी है, दोबारा तो नहीं बनी है। तो इसमें जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर जो उसकी विजुअल इंटरप्रिटेशन है, उसके अंदर अगर कोई कमी ना रह जाए, तो उस कमी को ना रखने के लिए जब तक मैं, बदर इकराम जो प्रोड्यूसर हैं, सरमद सहबाई साहब राइटर हैं, हम लोग जब खुद सेटिस्फाई नहीं हो कि मैक्सिमम हम इतना कर सकते, इट्स द राइट टाइम इस फिल्म की रिलीज़ के लिए, क्योंकि अगर ये दो साल पहले रिलीज़ होती तो शायद इतनी लोगों को हाइप ना क्रिएट होती। अच्छा सर, इसमें एक आपके फ़ैन ने क्वेश्चन किया हुआ था, क्योंकि यंग लोग जो हैं वो डिजिटल मीडिया पर ज़्यादा जो है वो ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि मीर, ये मीर या मीर तकी मीर कौन है? मैं उनकी बात का एहतराम कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम उर्दू से बहुत दूर हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे किताबों के अंदर भी अब वो शायरों को तो उर्दू को नहीं पढ़ाया था, उर्दू बोलना और पढ़ना जो है ना वो फैशन में नहीं है इतना। तो इस टाइम पे आपको इतना डर नहीं लगा कि एक यंग ऑडियंस जो ज़्यादा सिनेमाघर में आती है उसको निकालना घर से मुश्किल हो? देखिए, मैं इसको अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो हमारे जो लिटरेचर से जो लेजेंड्स हैं उनके बारे में कम इन्फॉर्मेशन रखती है। आई थिंक ये भी सुपरमैन डोरेमोन साहब ने ये हीरो बन गए। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमद साहब ने की थी कि शायद यही वजह थी उनकी ये स्क्रिप्ट लिखने की, कि उनसे किसी ने पूछा था कि मीर तकी मीर कौन है। अच्छा, ठीक है, शायद वो हमारे पास भी बाउंस हो। तो यही जवाब है उसका कि आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीर तकी मीर, मीर का जो कलाम है इतना ज़्यादा है, उसको एक फिल्म में समेटना बहुत मुश्किल काम था। तो उसकी उसमें से हमने मीर के काम को इस कैरेक्टर जमाल के थ्रू डिस्कस किया। मूवी या कोई भी आर्ट पीस या कोई भी ड्रामा मैं देख रहा हूँ, उस मुझे पता चलता है मेरी स्ट्रगल या मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ, मीर तक इस मूवी से कैसे लोग रिलेट कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, आपको एक मैसेज लगेगी आके, देख के आपको रियलाइजेशन होगी दैट ही इज स्ट्रगलिंग, वो सिस्टम को से निकलने के का स्ट्रगल है कि सब उसको कह रहे हैं तुम नहीं सक्सीड कर पाओगे, तुम्हारा काम कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है, रह जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, इस तरह आपने करना है। वो कहता है नहीं, मैं इनकी बात क्यों फॉलो करूँ, ये कौन है रूल्स बनाने वाले, मैं करूँगा अपने तरीके से। ठीक है, तो पॉइंट आपको स्पेशली फॉर द यूथ ये मैसेज है कि टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्ट्राइव फॉर योर गोल्स, बिकॉज
होता है द बेस्ट राइटर्स एंड पोएट्स किसी ने उनकी बात नहीं सुनी वो सारे रेबेलियस आउटलॉस अक्सर हमारे पास ये होता है कि जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद जो है ना वो यूजुअली उनका काम नजर आता है और अंदाजा होता है कि बंदे की सोच कितनी बदल इवन मोर ऑफ एन एग्जांपल के अगर आपके लाइफ टाइम में नहीं होता बट करते रहोगे इवेंचुअली अगर आपकी नीयत साफ है और जो आप काम कर रहे हो आप उसमें बिलीव करते हो तो वो आपका नाम आगे लेके जाए अच्छा इसका जो इश्क था वो इश्क जो था वो एक शख्सी फैंटेसी कह लें या वो जो है अल्लाह की ज़ात के साथ और उस तरफ सूफीज़म की तरफ थोड़ा उनका दिखाई था तो ये जो जमाल करेक्टर है फहद मुस्तफ़ा जो प्ले कर रहे हैं ये जो इनका जुनून या वहशत जो है वो किस तरफ डिक्लाइन जो आपने पहली बात की है ना कि शख्सी जो बात आप कर रहे हैं फैंटसी हमने उसको फैंटिसाइज कर दिया है वो जब जुनून जो है उसको लफ्ज़ों का सहारा लेके जैसे वो कहते हैं कि उस मीर को चांद में परी पैकर दिखाई देता ठीक है ठीक है तो ये मीर का इश्क है ठीक है ठीक है चौदहवीं की रात को मीर पे वहशत तारी हो जाती है ठीक है ठीक है जैसे उसमें सवाल है कि आप वहशत के जायके से महरूम हैं तो वो कहते हैं कि तुम वहशत को क्या समझते हो वहशत एक बला है ठीक है तो वो जो भला है वो कैसे जीनियस बनाती है ठीक है ये जो कैरेक्टर है ये इस सोसाइटी का कैरेक्टर जो इस सिस्टम में रह के जीनियस कैसे ग्रो करता है ठीक है ठीक है उसको जीनियस बनने में जो चीज़ें रोक रही होती हैं और लोग समझ नहीं रहे होते वो कैसे उस लेवल तक पहुंचता है जब तक आपको रेजिस्टेंस ही ना मिलती हाँ। तो आपको अपने टैलेंट का भी नहीं पता ठीक है ठीक है जब आपको रेजिस्टेंस मिलती है तो आपको टैलेंट का पता चलता है माहे मीर जो है हमारा रिवाइवल अब हमेशा हर इंटरव्यूज में शायद लोगों ने आपसे पहले भी सवाल पूछा होगा मेरे नज़दीक रिवाइवल काफ़ी हद तक हो चुका है रिवाइवल वही है कि लोग सिनेमा की टिकट खरीदते हैं अभी तो पैदा हुई है फिल्म इंडस्ट्री नहीं मैं जो बात जिससे बात है वो आपके पास सही है कि हमने ग्रो करना है अभी इंडस्ट्री ने ग्रो करना है हम न्यू बॉर्न बेबी की तरह हैं पर रिवाइवल उस सेंस में कि लोग घरों से निकल के अब सिनेमा घरों तक रुझान है सिनेमा घर खोल रहे हैं उस हद तक तो हम रिवाइवल की स्टेज तक पहुँच गए दूसरी बात जिस तरह हमारा कद बढ़ने के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ उसका कद बढ़ने में इंडस्ट्री बच्चा है उसका कद बढ़ाने के अंदर माहे मीर क्या रोल प्ले करता है पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की सब्जेक्टिव फिल्म जो होती है जिसके अंदर आप आइडियाज़ डिस्कस करते हैं आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं विजडम की बातें करते हैं आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं रास्ता दिखाते हैं कि इस तरह से जाया जा सकता है अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सरमद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी है वो अगर थोड़ी बहुत भी किसी को समझ में आ जाए तो वो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन है कि 20 लोग हैं या यहाँ बैठे हुए अगर दो लोग भी इंस्पिरेशन ले लेते हैं उस कैरेक्टर से जो जमाल का कैरेक्टर है तो आई थिंक आपका आपने कंट्रीब्यूट कर दिया सोसाइटी के अंदर तो वो रोल तो इसका है और फिर दूसरा अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं मैं समझता हूँ जो टिकट खरीद के चीज़ देखी जाती है वो कमर्शियली होती है और इस ज़माने के अंदर जो चीज़ बिकती नहीं है वो पीस ऑफ आर्ट नहीं होती ठीक है आपको इस तरह की फिल्मों की हो सकता है रिकॉल जो है 10 साल बाद आपको रियलाइजेशन हो कि ये जो फिल्म है ये कितनी बड़ी फिल्म बन गई थी उस टाइम पीरियड के अंदर और हो सकता है अभी अगर हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते ऑडियंस को अभी आपको रिकॉल मिल जाए ठीक है तो यू नेवर जज के क्या होगा तो सिनेमा हॉल जो है वो तो टिकट जिसने किसी ने तो मोल्ड ब्रेक करना होता है ना ऑलवेज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग मुझे आपके टिकट से ख्याल है कि हमें एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है वी गोइंग टू कम बैक फ्रॉम अ कमर्शियल ब्रेक Welcome back from the break. We are still in conversation with the director of Mahe Meer and with Sanam Saeed. कुछ मज़ेदार incident बताएं during shoot. कि फहद मुस्तफ़ा अली खान जैसे लड़के और ये दो खबर लड़कियाँ इकट्ठी हुई हैं तो कुछ मज़ेदार वाकियात होते होंगे एक सीन था जिसमें हमें दो आवारा गली के कुत्ते चाहिए थे तो अच्छा. हमने जो भी वो उनसे बात की उन्होंने कहा जी हमारे पास ट्रेन Dog किस किस्म के कुत्ते चाहिए सेशन चाहिए ये चाहिए वो अवेलेबल है नहीं हमें आवारा कुत्ते चाहिए चार दिन से परेशान थे कि ये कुत्ते कहाँ से हैं तो वहाँ बहुत सारे आवारा कुत्ते फिर रहे थे तो वो कह रहे थे इनको कुछ खिला खिलू के गाड़ी में डाल लेते हैं लेकिन इनसे एक्टिंग कौन कराएगा अच्छा खैर वो कुत्ते आ गए और हम शूट कर रहे थे और बड़ा लंबा एक सीन था उसमें कुछ एक्स्ट्रास भी बैठे हुए थे अब कुत्तों की टेक जब शुरू हुई तो कुत्तों ने पहली टेक होके दे दी अच्छा मुझे मज़ा आने लग पड़ा फिर मैंने कहा इसकी एक और ऑप्शन ले लेते हैं एक और एंगल से शॉट ले लिया एक टॉप शॉट भी ले लिया अच्छा ये काम हमारा कोई सारे का सारा 2-2.5 घंटे उसमें जूनियर आर्टिस्ट थे 2-4 अब जब उनके साथ मैंने काम शुरू करना किया तो 10 बजे से सुबह के 3 बज गए ठीक है एंड पे मैं बिल्कुल बाल मैंने नोचने शुरू कर दिए कि और
मैं इसको एज जोक ही कहूँगा, वो वहाँ पर उन्होंने, मैंने कहा यार तुमसे अच्छे तो कुत्ते हैं, मैंने ठीक ओके दे दी थी। उसके अलावा एक सीन था जिसके अंदर पानी, जिसमें आप देखते हैं ट्रेलर के अंदर ईमान बाल अपने डिप करके, वो है वो पानी लाया गया स्टूडियो के अंदर, डाला गया पानी काम था। अब हम कहेंगे पानी आएगा जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा, अब वो हमारा जो आर्ट डायरेक्टर जरी उसने आइडिया दिया इसमें पत्थर डालते हैं। अच्छा, तो पत्थर बाहर गए तो बहुत ही गंदे गंदे पत्थर मिल रहे थे। मैंने कहा ईमान के आने से पहले इसको भर लेते हैं, फिर उसको भर लिया। मैंने कहा अब ये बुरा नजर आ रहा है, इसमें फूलों की पत्तियां डालते हैं, ठीक है। फिर इसमें फूलों की पत्तियां डालने के जब सीन हो गया तो तब ईमान को पता चला कि असल में उसके साथ क्या हुआ। इस तरह की और बहुत सारी चीजें थी। फहद मुस्तफा कैसे को-स्टार? बहुत अच्छे को-स्टार हैं। आई बीन आई थिंक बहुत ज्यादा लकी, सारे जो मेरे को-स्टार हैं उनके साथ जो रैपो और केमिस्ट्री, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म और जो स्ट्रेंथ है एज एन एक्टर, उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आया दोनों सब सारे एक्टर्स के साथ, कि वो दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एक्टर्स के साथ काम करना उसमें मज़ा आता है। एंड फहद वाज अनदर वन, पेशेंट, प्रोफेशनल, काइंड, तमीज़दार। आई थिंक टू बी तमीज़दार इज़ द नंबर वन फैक्टर। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमारी एक आपसे डिमांड थी, वो बिल्कुल नहीं होगी। वो इस बार जो है ना, वो आप जो है अभी जो आज आपने गाना लॉन्च किया है जो कवाली, वो गुनगुना दें सुबह। जो आज आपने आज हमने कवाली एक लॉन्च की, मैंने पहली दफा देखी आज, वो गुनगुनाए मतलब यार वो बकायदा कवाल है। चलें आप कोई भी गाना मूवी का अपने फैंस, मैं गाना, मैं वो असल में आइस ब्रेकिंग सेशन आपके लिए सनम से लास्ट टाइम से ड्यू है। मैंने एक पोएट पे फिल्म की है लेकिन मैं, मेरा मसला है मुझे शेर याद नहीं रहते, याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते। मैंने तो सनम को कहा था, सनम ने आगे पास कर दी बात। मैं तो सनम तो बहुत अच्छा, सनम को तो मैंने बचाना से पीछे पड़े हुए आपके, आप तो माहे मीर हो गए। मैं तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है गाने शाने से, चले दो लफ्ज़ दूर दूर तक क्या है वो। चले आप कोई उर्दू गाना, हिंदी गाना कोई गुनगुना दें। सर्दियों के क्या, कौन सा गाना नहीं मैं आता ना, कौन सा क्या नाम है वक्त के, हाँ कितनी सर्दियाँ। मैं सिर्फ आपसे आप एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो टी वी फिल्म एंड थिएटर के जो फिल्म मेकर्स बनना चाह रहे हैं, जो पढ़ें, उनके लिए कोई मैसेज दें कि वो रास्ता क्या अपनाएं ताकि स्ट्रगल उनकी थोड़ी कम हो जाए। मेहनत करें, हार्डवर्क, हार्डवर्क जो देखें, शॉर्टकट जो है ना किसी भी चीज़ का नहीं होता, फ्लूक हर किसी का लगता नहीं है। आप शॉर्टकट जो है ना वो अगर ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को आजमाना पड़ेगा कि आप कितने छोटे भाई का सुनाया था। नहीं आर्टिस्ट, मेरे छोटा भाई वो मुझे कहते हैं मैंने असिस्ट करना है, मैंने आके उससे कहा फ्लोर साफ करो, तीन दिन उसने फ्लोर साफ किया। एक कॉन्सेप्ट नया आया है जो हर कोई कह रहा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचने का मतलब पता है क्या होता है, अपनी ईगो मारे, ईगो अगर आपने सीखना है और काम करना है, ग्रो करना है, दो चीज़ें अपने से दूर कर लें, एक तो स्टॉप जजिंग अदर पीपल, ठीक हो गया, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ अपनी ईगो, ईगो ये दो चीज़ें मार दें तो आपकी रिलेशनशिप भी वर्कआउट होएंगी, आपका काम भी ठीक होगा। कमिंग टू यू, आप एक्टर्स जो आजकल आपको पता है कि हर बंदे के दिल के अंदर एक एक्टर है, वो शीशे में देखता है तो उसको लगता है, वो बड़ी लड़कियाँ होंगी जिनको लगती होंगी वो सनम सईद हैं, बड़ों को लगता होगा वो फहद मुस्तफ़ा हैं, उनको मैसेज दें, उनको तरीका बताएं किस तरीके से आप वो एक्टर्स बन सकते हैं। वही मेहनत करें, अगर इतना शौक है तो शो रील बनाएं अपना, दिखाएं, जाएं प्रोडक्शन हाउसेस को, जुनून को इतना सर पे सवार करें कि लोगों को नजर आए। अगर आपको इतना शौक है और आपको मौका चाहिए तो बनवाएं शो रील्स और वो काम करें जिसको आप ऑनेस्टली कर सकते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, काम निकालने का की वजह से या की अपनी इंटेंशन जो है वो पहले क्लियर करें। आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको शोहरत चाहिए, आपको शौक है, आपको कुछ मैसेज देना है, एम क्या है आपके, पर वो क्लियर होना चाहिए और फिर वंस दैट इज़ क्लियर एंड यू वर्क टुवर्ड्स दैट, ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाता है उसके लिए। अगर मेरे से ये सवाल आप लोग पूछते तो मैं कहता हूँ माहे मीर देखें और जमाल से कुछ सीखें, जमाल का करेक्टर तमाम तर आपके सवालों का जवाब है। सर इसी नोट पे थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। सनम थैंक यू सो मच आने के लिए। ये कुछ सुवेनियर्स हैं सनम, आपकी हमने कोशिश की है कि हम आपकी वॉल तैयार करा देंगे ट्यून विद मुस्तफ़ा tune.pk कि आपके घर में सारी आप देंगे। और कुछ हमारे पास जो है लाएँ जी लाएँ, कुछ गुडी बैग्स हैं ये आपके साथ जाएंगे। लास्ट टाइम प्रॉब्लम हो गई थी, एक बड़ा गुडी बैग था तो हमने उसको लड़ाई हो गई थी, हमने उसको छोटा किया। थैंक यू।
सर मैं अपना शो को इतना बड़ा है कि आपका सेट भी टूटने लगा जी जी मैं सर अपने शो के रैपर की तरफ आते हैं और मुझे एक मीर तकी मीर साहब का एक शेर याद आ रहा है इबादत इश्क है रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या इसी नोट के ऊपर आई एम रैपिंग अप माई शो आप 6 मई इज़ द डेट आप जाएँ जाके मूवी देखें और इस जमाल कैरेक्टर से और इस मूवी से प्लीज़ कुछ सीखें